वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल को मतलब मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हेल्दी नाश्ता बनाना बताऊंगी। मैं आपको कौन समोसे बनाना बताऊंगी। आज मैं मैदे का नहीं आटे का इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि मुझे हेल्दी बनाना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आलू लिया है जिसको बॉयल कर लिया था, कद्दूकस कर लिया है मैंने इसको। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लेते हैं। आधा चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डाल लेते हैं और आधा चम्मच ही मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च जो मैंने पहले से कट करके रखी हुई थी। बारीक बारीक कट कर लेना है हमें हरी मिर्च को और इसको भी डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया पत्ती, तो इसको भी मैंने अच्छे से धो के कट कर लिया था। एक पिंच मैंने लिया हींग और ये अब ली हैं कुछ फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ। आप इसकी जगह पे ड्राई भी ले सकते हैं। मसाले में हमारे में पुदीने का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसलिए मैं इसमें इस्तेमाल करती हूँ। आपकी मर्जी है, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो ना करें। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच भर के चाट मसाला। आप इसकी जगह पे आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इसमें डाल देते हैं हम दो चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर। बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं लेना है हमें, दो चम्मच भर के ही लेना है। अब हम इसको साइड रख देंगे, अपना डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है 1.5 कप भर के, जो नॉर्मल हम रोटियां बनाते हैं वही आटा लिया है मैंने। नमक इसमें डाल देते हैं हम। हमने नमक का इस्तेमाल मसाले में भी किया है, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और ये थोड़ी सी डाल देते हैं हम कलौंजी, मंगरेल भी बोलते हैं इसको, जो अचार में इस्तेमाल की जाती है। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल मोयन के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक डो तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार नहीं करना है हमें और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड करना है। नॉर्मल हमें मीडियम डो तैयार कर लेना है। पानी का इस्तेमाल हमें कभी भी एक साथ नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें। ये मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ। इसको रेस्ट होने छोड़ दिया था मैंने 10 मिनट के लिए। ये अच्छे से सेट हो गया है। इसके हम पेड़े बना लेते हैं इस तरह से, और जैसे हम रोटी पूड़ी पराठा बेलते हैं ना, ठीक उसी तरह से इसको हम बेल लेंगे। ये बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखें आप। और जो मसाला बनाया था वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं और चाकू की सहायता से इसको हम 4 हिस्सों में कट कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको हम कोन बना लेते हैं। जैसे हम सॉफ्टी वगैरह खाते हैं ना, ठीक उसी तरह की हमें कोन बना लेना है। इसको मैं थोड़ा स्लो करके बता रही हूँ, अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो। किस तरह से मैं दोनों हाथों की सहायता से अपनी कोन बना के तैयार कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा रोल करूँगी हाथ से, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा एयर है अंदर उसको निकाल देना है। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से दबाते हुए। इसका आलू बाहर नहीं निकलना चाहिए, निकल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑयल नहीं भरेगा क्योंकि इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है। इस तरह से टैप करते हुए सारी कॉर्न हमें बना के तैयार कर लेनी है। कॉर्न हमारी बनके तैयार हो गई। अब हम इन्हें कर लेते हैं फ्राई। ऑयल मैंने पहले से गर्म होने रख दिया था, हल्का सा गर्म हुआ तभी हमें कॉर्न को इसमें ऐड कर देना है। जैसे हम समोसों को फ्राई करते हैं वैसे ही इनको भी फ्राई कर लेना है। हैं तो ये भी हमारे कॉर्न समोसे ही, और फ्राई भी हमें उन्हीं समोसों की तरह करना है। जब हम समोसे को डाल देते हैं कढ़ाई में तो 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 2 मिनट के बाद ही इनको उलट पुलट करें और ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने के बाद उसके बाद हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारी कॉर्न हमें फ्राई करके तैयार कर लेनी है। तो सारी कॉर्न हमारी बहुत ही ईजी तरीके से फ्राई हो गई हैं। तो नाश्ता बन के तैयार हो गया है, लेकिन एक कमी है, थोड़ा सा स्पाइसी खाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, हरी मिर्च लेंगे, धो के अच्छे से उसका पानी पोंछ लेंगे और उसमें एक कट लगा देंगे ताकि वो चटके नहीं। और इनको मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया है हरी मिर्च को भी। तो ये देखिए आप हरी मिर्च के साथ कौन समोसे हेल्दी तरीके से मैंने बना के तैयार किए हैं। ट्राई ज़रूर करिए। मेरे तरीके से रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।